तर्कों की आंच में तप कर, तर्कों की आंच में तप कर, वक्त के साचे में ढलना है हमें। ये दुनिया सोने की चिड़िया कहती है, ये दुनिया सोने की चिड़िया कहती है, इससे एक कदम आगे चलना है हमें। धन्यवाद। अगर इस दुनिया में महिलाओं की जगह पुरुषों को माहवारी होती तो मेरा दावा है कि हर एक देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, डंके की चोट पर पुरुषों को अब तक माहवारी के वक्त सवैतनिक अवकाश जरूर दे चुके होते। नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र राजपूत है और आज मैं इस मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि आखिर जो नियोक्ता है उन्हें अपने कर्मचारियों को माहवारी के वक्त सवैतनिक अवकाश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में आखिर कितने ऐसे संस्थान हैं जहां पर महिलाओं को चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कितने ऐसे संस्थान हैं जहां पर महिलाओं के लिए ऐसे आरामदायक कमरे होते हैं जहां पर जो हीटिंग पैड्स हैं और साथ में जो आरामदायक, जब उन्हें पीरियड के दौरान महिलाओं को दर्द होता है, बुखार होता है, तो उन्हें ऐसी सुविधाएं हों ताकि कुछ पल वो उस आरामदायक कमरे में जाकर आराम कर सकें। साथ ही मैं एक बात और आप सबसे बताना चाहूँगा, आंकड़े में आपको गिनवाना चाहूँगा कि एक सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ 70% ऐसी महिलाएँ हैं जो अवकाश लेती हैं अपने काम से जब वो माहवारी के दौर से गुजरती हैं। हमारे देश में 73% ऐसी महिलाएँ हैं जिनका मानना है कि माहवारी के वक्त सवैतनिक अवकाश जो है उन्हें मिलना चाहिए। हमारे देश में 80% महिलाएं ऐसी हैं जो माहवारी के वक्त दर्द से गुजरती हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दर्द आम दर्द नहीं होता है। जिस तरीके से एक व्यक्ति दिल के दौरे के दौरान जिस दर्द से गुजरता है, उसी दर्द से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, कुछ देश मैं गिनवा भी देता हूँ, स्पेन, जाम्बिया, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साथ ही साथ हमारे देश में भी ऐसे दो राज्य हैं, केरल और बिहार, जहां पर महिलाओं को सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। और हमारे देश में बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो महिलाओं को सवैतनिक अवकाश देती हैं। उन कंपनियों में से कुछ कंपनियों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बायजूज, स्विगी, जोमेटो, फ्रीमीवे जैसी कंपनियाँ हैं जो महिलाओं को सवैतनिक अवकाश देती हैं। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम दिल के दायरे को बड़ा नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को सवैतनिक अवकाश नहीं दे सकते हैं, तो हमें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि महिलाओं को कम से कम दर्द हो। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि तर्कों की आँच में तप कर, तर्कों की आँच में तप कर, वक्त के साचे में ढलना है हमें। ये दुनिया सोने की चिड़िया कहती है, ये दुनिया सोने की चिड़िया कहती है, इससे एक कदम आगे चलना है हमें। धन्यवाद।